देखिए बच्चों, मैं आपको बिहार बोर्ड के गणित के किताब जो वर्ग 10 का है के अध्याय एपी अर्थात समानांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 20 का हल बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती, पढ़ाई जो होती है अथाह सागर है, हमें पग पग पर सीखना पड़ता है और हमें कभी भी सीखने से दूर नहीं भागना चाहिए। कहा गया है कि मनुष्य जन्म जब लेता है तो जन्म के बाद से लेकर मरने के पहले तक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जरूर कुछ सीखता है। समाज से सीख कर आए, अपने परिवार से सीखता है, अपने सर्किल से सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है। तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है बच्चों। देखिए, मैं कहना यह चाहता हूँ कि आप जितना ही पढ़िएगा उतना ही पढ़ने में मजा आता है। मैथ से आप दूर मत भागिए, मैथ कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, मैथ बहुत रोचक सब्जेक्ट है, बहुत ही रोचक विषय है। जितना ही इससे भागिएगा या उतना ही आपका पीछा करते चला जाएगा, और जितना ही आप इसको पढ़िएगा उतना ही आप इसका पीछा करना शुरू करेंगे। इसलिए पढ़ी, पढ़ने से मैथ दिमाग में होता है, तेज होता है, दिमाग में जो है कौशल का विकास होता है, इसलिए पढ़ी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पढ़ करके अपने भविष्य को क्या कीजिए, उज्ज्वल कीजिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन का युग है, एक से एक बच्चे हैं, एक से एक आगे हैं। आप पूछिए कि हम आगे, लेकिन नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। इसलिए देखिए, पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िए। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है, क्वेश्चन में कोई भारी नहीं है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए उसको पढ़ा जाता है, सही तरीका से पढ़िएगा तो आपको समझ में कुछ आएगा, और जब कुछ समझ में आएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक रामकली, रामकली नाम की एक कोई औरत है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। रामकली एक औरत है जो पहला सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। देखिए बच्चों, हमें भी बचत करनी चाहिए अपने भविष्य के लिए, बचत जरूरी है भविष्य के लिए। देखिए, रामकली जो है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचा लिया, ठीक है। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, उसके बाद वह क्या करती है, अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ा देती है। पहले तो 5 रुपया बचत करती थी, ठीक ना, प्रथम सप्ताह में, लेकिन फिर अगले सप्ताह से वह क्या करती है, उस 5 रुपया के बजाय उसमें 1.75 रुपया और बढ़ा देती है, ठीक है। यदि इनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। इनवे सप्ताह यानी नंबर ऑफ वीक्स नहीं पता है, वही निकालना है कितना सप्ताह में उसका बचत जो है 20.75 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए सवाल, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम सप्ताह की उसकी बचत कितनी है, लिखेंगे रामकली के प्रथम सप्ताह की बचत
बराबर राम कली के प्रथम सप्ताह की बचत बराबर कितना है 5 रुपया कितना है 5 रुपया है ठीक है। उसके बाद वह अगले सप्ताह से 1.75 रुपया जो है बढ़ोतरी करते जा रही है। अब लिखेंगे राम कली के दूसरे सप्ताह दूसरे सप्ताह की बचत बराबर कितना हो जाएगा। तो पहले तो वह 5 रुपया बचाती थी तो 5 अब अधिक कर दी कितना अधिक कर दी 1.75। पहले आप 2 रोटी खाते थे एक सप्ताह में अब क्या कर दिए दूसरा सप्ताह में 1 रोटी अधिक कर दी तो बढ़ गया। उसी प्रकार दूसरा सप्ताह में 1.75 रुपया वह बढ़ा दी 1.75 रुपया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा बराबर। इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए दशमलव का जोड़ कैसे जोड़ते हैं ध्यान दिए हम रफ करके आपको दिखाते हैं। यह 5 तो पूरा रुपया है तो 5 दशमलव पैसा में यहाँ 0 डाल देंगे ठीक है। अब आइए दशमलव के सामने क्या डालेंगे दशमलव ठीक है। दशमलव के बाएं साइड क्या है सॉरी दाएं साइड क्या है 7 5 तो यहाँ लिखेंगे इस 0 के सामने 7 इस 0 के सामने 5। दशमलव के बाएं साइड क्या है बच्चों 1 तो यहाँ लिखेंगे कितना 1। अब जोड़ दीजिए 5 7 फिर दशमलव के सामने दशमलव आ जाएगा 5 में 1 मिलेंगे कितना आएगा 6 यानी यह दूसरे सप्ताह की बचत हो जाएगी इसकी 6.75 रुपया। कितना रुपया इसके दूसरे सप्ताह की बचत हो जाएगी। अब लिखेंगे राम कली के तीसरे सप्ताह की बचत तो तीसरा सप्ताह में इसका बचत बढ़ के कितना हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 6.75 प्लस फिर 1.75 इसमें बढ़ जाएगा बराबर। देखिए यहाँ जोड़ करके 1.75 फिर इसमें जोड़ दीजिए 5 5 10 के 0 हाथ में 1 7 7 14 15 5 हाथ में 1 6 1 7 1 8 8 रुपया 50 पैसा इतना उसका सीधे सप्ताह में बचत हो गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं इसकी जो बचत हो रही है 1.75 1.75 यह एक नियत संख्या हो रही है। तो जब यह नियत संख्या हो रही है बचत यानी इसका सार अंतर सब बराबर दे हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह एक एपीए बनाती है। तो लिखेंगे इस प्रकार से राम कली की साप्ताहिक बचत 1 क्या बनाती है एपी बनाती है एपी बनाती है एपी बनाती है ठीक है। अब इसमें लिख देंगे एपी क्या क्या हो गया प्रथम सप्ताह के 5 द्वितीय सप्ताह के हो गया 6.75 तृतीय सप्ताह के हो गया 8.50 .. लास्ट सप्ताह कितना है बढ़कर हो गया 20.75 अंतिम सप्ताह में ठीक है। अब लिख देंगे ए बराबर यानी A1 = 5 A2 = 6.75 A = 20.75 B = what और क्या निकालना है A = what तो सबसे पहले हम लोग को D निकाल देना है तो D = A2 - A1 A2 हो गया कितना 6.75 - 5
इसी प्रकार घटाएंगे जिस प्रकार जोड़ दिए हैं। आइए देखिए 6.75, ठीक है 6.75 में से हमको कितना घटाना है, 5 घटाना है, दशमलव के सामने दशमलव डाल दीजिए, 5 पूरा रुपया है, पैसा में नहीं है, तो पैसा में क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, 5 हो गया, 7 हो गया, 6 में से 5 क्या है, यानी 1.75 रुपया दिया गया, बराबर हो जाएगा 1.75, यह आपका हो गया कॉमन डिफरेंस यानी बी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एन के फॉर्मूला पर रख करके इसको निकाल देंगे, एन का वैल्यूएशन, ठीक है, अब लिखेंगे एन बराबर लिखेंगे अब के एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, ठीक है, एन का मान देखिए कितना है 20.75, 20.75 उसको पढ़ेंगे, 20.75 नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी संख्याएं होती हैं उसको एक एक करके बोला जाता है, जैसे 20.75 इसको बोलेंगे, न कि 20.75 बोलेंगे, ठीक है। आइए अब एन का मान हो गया आपका कितना 20.75 बराबर, ए का मान है कितना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एवन 5, ए का मान हो गया 5 प्लस एन का मान हमें मालूम नहीं है, तो एन का मान हो जाएगा यहाँ एन माइनस ए गुणे डी का मान हो गया 1.75, अब यह हो जाएगा 20.75, ये 5 प्लस कर रहा है बाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5 बराबर हो जाएगा एन माइनस एक गुणे 1.75, अब इसमें से घटा दीजिए 20.75 में से 5 घटाइएगा तो कितना आएगा 15.75 बराबर हो जाएगा एन माइनस एक गुणे 1.75, ठीक है, अब यह हो जाएगा, अब देखिए 1.75 गुणा कर रहा है, जरा क्या करेगा भाग करेगा 15.75 बटा हो गया 1.75 बराबर एन माइनस एक, अब यह हो जाएगा इसका दशमलव हटा दीजिए, यहाँ देखिए दशमलव के बाद दो अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद दो अंक इसमें भी है, ठीक है, तो दोनों में समान अंक है दशमलव के बाद, तो सीधा इसको लिख दीजिए 1575 बटा 175 बराबर एन माइनस एक, ठीक है 1575 माइनस 175 से 1575 नौ बार में कट जाएगा, देखिए गुणा करके देखिए इसमें 9×5=45 के 5×4 963 467 के 7 में 6 9×9=15 आ रहा है, इसका मतलब है कि 175 से 1575 कितना बार में, 9 बार में कट जाएगा, अब n माइनस 1, अब यह हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर n, प्लस 1 कहाँ से आएगा, यह माइनस 1 है दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो क्या जाएगा प्लस जाएगा, अब 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 10 बराबर 3, यानी 10 सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी 20.75 रुपया हो जाएगा, आंसर में लिख देंगे 10वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपया हो जाएगी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, कितने सप्ताह में उसकी बचत हो जाएगी 20 रुपया साथ 5 पैसा, तो 10वें सप्ताह में, कितने सप्ताह में,
दसवें सप्ताह में उसकी बचत जो है कितना जाएगी, 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आपको वीडियो मेरा मिलता रहे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है युगल किशोर प्रसाद, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है YUGALKISHORPRASAD। यहाँ देखिए,